नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को एनसीईआरटी का भूगोल का पुस्तक दिखाता हूं। यह जो पुस्तक है भूगोल की, यह कक्षा 11 और 12 के लिए है, एनसीईआरटी की बुक है। और एनसीईआरटी की महत्ता से आप लोग अपरिचित नहीं होंगे। आप लोग जान लें कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें एनसीईआरटी मस्ट हो गया है। मैं डीएसएसपी टीजीटी पीजीटी की बात कर सकता हूं, जो केबीएस में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है उसके लिए भी, एनबीएस में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है उसके लिए भी, और अन्य बहुत सारी परीक्षाएं जो सेंट्रल की होती हैं। अब तो स्टेट लेवल पर भी एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक आपके सफलता में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़नी चाहिए। हालांकि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यह पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको कक्षा 11 और 12 की पुस्तक दिखा रहा हूं। यह कक्षा 11 की पुस्तक है भौतिक पर्यावरण की, और यह कक्षा 11 की पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और यह का कक्षा 12 का पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आपको बिल्कुल कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। अगर इतना कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कक्षा 11 और 12 का तो बिल्कुल कवर करना चाहिए। आपकी 80% एनसीईआरटी अगर आपने कक्षा 11 और 12 कंप्लीट कर लिया है तो बिल्कुल सही रहेगा। इसीलिए मैंने पहले इसको प्रेफरेंस दिया है हमने कि कक्षा 11 और 12 की अगर एनसीईआरटी भूगोल देख लेते हैं, मतलब 6 से 12 तक 100% और 80% कवर करना है, तो आप 11-12 देख सकते हैं। तो यह जैसे यह पुस्तक है भारत भौतिक और पर्यावरण, देखिए आज मैं इन सभी यह जो तीन पुस्तकें हैं इनका रिव्यू दूंगा, इनकी जो प्राइस है वह बताऊंगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी विषय सूची में क्या कौन कौन से अध्याय हैं वह बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग को एक बेहतरीन नोट्स से भी आप लोगों को परिचय कराएंगे। एक भूगोल का बेहतरीन नोट्स जो एनसीईआरटी का होगा, बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा, और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं, भारत भौतिक और पर्यावरण कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। तो देखिए जब भी आप पुस्तक लीजिए, एनसीईआरटी की पुस्तक लीजिए, तो लोगो देखकर बिल्कुल लीजिएगा और यहाँ पर भी देखिएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ लोकल पुस्तकें भी आ जा रही हैं एनसीईआरटी की, बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। देखिए एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है बहुत महंगी नहीं होती है। देखिए कक्षा 11 की पुस्तक है भौतिक पर्यावरण की, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसकी जो इस पुस्तक का जो रेट है 65 रुपये, 65 रुपया, एकदम 65 रुपये में आपको यह पुस्तक उपलब्ध हो जाएगा। कक्षा 11 की पुस्तक है, बहुत महंगी पुस्तक नहीं है, आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी पुस्तकों की विशेषता होती है कि चैप्टर के शुरुआत में ही यह भारत का संविधान की उद्देशिका होता है, कम से कम उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी का भी बोध कर सकते हैं। और देखिए विषय सूची में क्या है, कक्षा 11 की इस पुस्तक की विषय सूची में क्या है, प्रस्तावना भारत स्थिति, फिर भू आकृति विज्ञान, फिर जलवायु वनस्पति एवं मृदा, फिर प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, कारण परिणाम और प्रबंध, फिर यह सब कुछ दिया हुआ है। तो यह सब आप लोग देख रहे हैं, यह सब सारा कुल मिलाकर मैपिंग करके बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए 65 रुपीज़, केवल 65 रुपये में पुस्तक उपलब्ध हो जा रही है, तो आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको। और पढ़ने के बाद देखिए बुक पढ़ने का एक अलग मजा होता है, आप बिल्कुल वैसे ही अनायास कुछ रट लीजिए उसका कुछ अलग मैटर होता है, लेकिन अगर बुक पढ़ रहे हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति का विस्तार होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाते हैं कि आप जैसे यह बुक पढ़ लें उसके बाद इसी संबंधित अगर टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो आपके जो आपका मस्तिष्क में ज़्यादा वह चीज़ स्थायी रहेगी और अधिक समय तक स्थायी रहेगी। तो यह देखिए, तो यह बुक आपका मैंने रिव्यू कर दिया, यह है। और फिर यह भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी वही रहेगा कुल शुरुआत में। और इस पुस्तक का जो मूल्य है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, इसका जो मूल्य है वो 90 रुपया है, तो 90 रुपया भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए।
देखिए इसमें इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें भी भारत का संविधान की उद्देशिका है, इसमें का विषय सूची में क्या क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए भूगोल एक विषय के रूप में, फिर इकाई वन में भूगोल एक विषय के रूप में, इकाई सेकंड में पृथ्वी, इकाई थर्ड में भू आकृतियाँ, इकाई फोर्थ में जलवायु, इकाई फिफ्थ में जल, और इकाई फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है, पृथ्वी पर जीवन। तो बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए देखिए कक्षा 11-12 की पुस्तक में भी इस तरह से पूरा दिखाया गया है शिल्ड ज्वालामुखी। हम शिल्ड ज्वालामुखी का नाम ही सुनते हैं, लेकिन शिल्ड ज्वालामुखी दिखा रहा है कि देखो शिल्ड ज्वालामुखी ऐसे होता है। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो यह बुक भी आपका कंप्लीट हो गया, और यह है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है, इसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए उसके बाद मैं आपको इसका नोट्स दिखाऊंगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का मैं नोट्स दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा, और कम से कम मैं दिखा दूंगा और फिर आपको उपलब्ध कराने का भी प्रयास करूंगा। देखिए विषय सूचिया में इसके इसमें किसका क्या प्राइस है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 75 रुपया इसकी भी प्राइस है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी है। विषय सूची में क्या है तो देखिए मानव भूगोल प्रकृति वन विषय क्षेत्र, फिर अध्याय 2 में क्या है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, अध्याय 3 में क्या है जनसंख्या घनत्व, अध्याय 4 में क्या है मानव जीवन, अध्याय 5 में क्या है प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय 6 में है द्वितीय क्रियाएं, अध्याय 7 में है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, अध्याय 8 में परिवहन एवं संचार, अध्याय 9 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अध्याय 10 में है मानव बस्ती। तो बहुत ही बढ़िया, देखिए यह भी बहुत देखने में बहुत अच्छा है। देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है, हर चैप्टर के बाद अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नोट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो नोट्स है, हालांकि यह रफिंग वाला नोट्स है, मैं आपको पूरा फेयर नोट्स उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बढ़िया है। 2 नोटबुक भर गया है पूरा का पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स से, और बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, और कम से कम आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी इसमें कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। तो यह बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और इतना मोटा नोट्स आप लोगों ने देखा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, जिनको भी चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, और जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स है वह आपका उसका जो मूल्य है वो 299 रुपया है। तो भी जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, और व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। 299 रुपया में बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिलेगा, और पूरा का पूरा भूगोल आपका कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा भूगोल जो भी कुछ मैं दिखा रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा अपडेट करके आपको नोट्स दिए जाएंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बेहतरीन रामबाण नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, और जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और एक बात और बता दूं, जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं उसके बाद कहते हैं डेमो दीजिए, तो डेमो तो मैं दिखा ही दिया हूं, तो डेमो वाले मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा, इसलिए बोल रहा हूं, जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।